स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, यूपी SSC पैट एग्जाम 2022 का जो 15 अक्टूबर को पहली पाली का पेपर आ चुका है, तो साथियों इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे कि आपका इसमें जरूर चेक करना कि आपका कौन सा सही है, कौन सा आपने लगाया है। और साथियों इसमें से एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, तो कमेंट करके आप जरूर बताना कौन सा गलत हो गया। साथियों पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि वो सी होगा, इसका जो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यानी कि तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो सी होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि चार नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो पादप कोशिकाओं में वृद्धि होती है, ये सेलुलोज की होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जैसे पाँच नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और जो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो सी होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है यानी कि सी होगा। यानी कि अब सातवें क्वेश्चन को हम देखते हैं, यानी कि सातवें क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जिसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि आठ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। यानी कि महर्षि का जो संधिवच्छेद पूछा था, महा प्लस ऋषि, तो इसका जो राइट आंसर यानी कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि 10 नंबर क्वेश्चन की जो राइट आंसर इसका यानी कि इसका जो राइट आंसर वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की, तो ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि जैसे कि अब ये पैसेज आ गया है, तो पैसेज में जो राइट आंसर इसके 12 नंबर का जो ए 12 नंबर का ए होगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है साथियों, ये 100% नहीं है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 13 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। यानी कि और 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर ए होगा। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर यानी कि ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए यानी कि राइट आंसर इसका ए होगा। और यानी कि 21 नंबर की हम बात करें, यानी कि 21 नंबर की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। यानी कि ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि जैसे कि यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भूत तैयार किया था, तो ऑप्शन ए इजराइल ने किया था। यानी कि ठीक है, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरनेशनल बिलियन जो एक्सचेंज की बुलियन, तो ये गुजरात में की थी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि जैसे कि अगस्त आसपास, मतलब यानी कि जो बड़ा सैन्यावास किया था अभी ताइवान के आसपास, ये चीन ने किया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये जीएस साथियों जितनी भी मैंने पढ़ाई थी वो उतनी ही पूछी गई है, क्योंकि मैंने जीएस बहुत पढ़ाई है। UPSSC पैट के लिए आप क्लासें भी देख सकते हो, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। भारतीय सेना जुलाई 2022 में जो स्काई लास्ट है, इसका डी राइट, इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 जो अकाशा जो एयरलाइन है, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में दौड़ी थी, यानी कि तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ते चलो ये संस्कृति मंत्रालय, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जैसे 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पड़ोसी नहीं है, UAE नहीं है। साथियों आपको बता दूं, कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये मैंने खुद देखी है। यानी कि 30 नंबर की बात करते हैं, तो IIT मद्रास है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, आपको बता दूं। अगर जो क्वेश्चन कोई गलत हो तो उसे कमेंट कर बताना, उसे सही करने की कोशिश करेंगे। यानी किस केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष चंडीगढ़ में नशीली दवाओं को, ये अमित शाह ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, ये गोवा होगा। यानी कि पहला हर घर, यानी कि हर घर जो जल प्रमाणित राज्य बना, तो ये यानी कि तो बी राइट आंसर गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि 22 मई को। ठीक है, माजुली द्वीप है, इसका सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कि जैसे कि मुद्रा है, तो ये हंगेरियन फोरेंट है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 36 नंबर की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत पहला राज्य, ये आंध्र प्रदेश है। ये बहुत यानी कि जीएस बहुत ईजी आई है साथियों। लोकसभा में यानी कि पद धारण करने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यानी कि जब इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यूनाइटेड नेशन इन फ्रेमवर्क, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि बी होगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश होगा, नौटंकी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, यानी कि स्विट्जरलैंड है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 की, यानी कि तो इसका जो गुलजार है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 42 नंबर की, इसका जो राइट आंसर बी होगा।
यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जैसे कि 43 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जैसे 44 नंबर की, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जैसे 45 नंबर की, तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन की, जो ए राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से यानी कि 47 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वो डी होगा, यानी कि डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि 48 की, तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यानी कि 49 की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों आपको बता दूँ जीएस की मैं सेपरेट लाऊंगा अलग से, यानी ये भी मतलब बहुत जल्दी से करा रहा हूँ क्वेश्चन को, ये अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो इसका 50 का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो आपने कौन कौन से लगाए हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने। इसके बाद कट ऑफ की वीडियो आएगी, तो 51 का सी होगा। ठीक, 51 का सी होगा, यानी कि जैसे 52 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। 52 की बात करें तो राइट आंसर ए होगा। और 53 की बात करें, 53 की, तो इसका जो राइट आंसर वो सी होगा। ठीक है, 53 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। यानी 54 की बात करें यानी कि 54 की, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 55 की बात करें तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, यानी 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि जैसे कि 57 से 61 का, तो ये 57 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि 57 का जो राइट आंसर वो डी होगा। यानी कि 58 की बात करें तो यानी कि 58 का यानी कि कंप्लीट नहीं है, 59 की बात करते हैं, तो इसका जो सी होगा। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 की, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वैसे मैं जीएस पढ़ाता हूँ, ये तो मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, इसका बता दे रहा हूँ कि 62 का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 63 की बात करें तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। तो 64 की बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि 65 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपने कौन कौन से लिखा है। 66 की बात करें तो इसका 66 का ए होगा, यानी कि 66 का ए होगा राइट आंसर। ठीक है, और यानी कि 67 की बात करें तो डी राइट आंसर होगा इसका, और 68 की बात करें तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 की बात करें तो सी होगा, यानी कि 69 की सी होगा। 70 की बात करें तो इसका भी सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि 72 की बात करें तो जैसे कि संगमर एक प्यात्रा एड्यूमा, जो पत्राधुरा या रंगीन पत्र की जो जड़ाई का काम है, ये साझा का है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि तांबे का जो पहली बार उपयोग किया गया था, ताम्रपाषाण में किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में प्रथम बौद्ध संगति ये हुई थी कि राजगिरी में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों सारे क्वेश्चन हमने कराए अपनी क्लासों में, वहीं से पूछा गया। ये क्वेश्चन देवना प्रियदर्शी, ये मौर्य सम्राट अशोक कहा जाता है, कितनी बार क्वेश्चन में करा चुका हूँ, ये पेपर में आया है। ठीक है साथियों, जीएस की पूरी फंसी है मेरी क्लासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुगल सम्राट थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन से आप जानते ही हो, यानी कि जो भूदान आंदोलन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। भूदान आंदोलन की बात करें तो दांडी, यानी कि दांडी में, तो इसका मैं राइट आंसर देख साथियों आपको बता दूँ इसकी क्लियर नहीं, जैसे कि इसमें स्वामी रमा पंडित रमाबाई थी, तो इसका राइट आंसर शायद डी है इसका, और मैं क्लियर करके बता दूंगा इसका क्या होगा। ठीक है, जब मैं इसके लिए जीएस की अलग से लाऊंगा। ठीक है, इसका डी राइट आंसर होगा, यानी कि तो ये यानी कि जो राष्ट्रवाद यानी कि जो राष्ट्रवादी की पहली अभिव्यक्ति है, तो ये रूसी यानी कि सॉरी फ्रांसीसी है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, फ्रांसीसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम है यानी कि 80 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम यानी कि जो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि जैसे कि यानी कि 82 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि डी राइट आंसर होगा। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। 83 की बात करें तो नेपाल और तिब्बत, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 85 की बात करें तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यानी कि इसका जो राइट आंसर यानी कि 86 का डी होगा, 86 का डी होगा। ठीक है, और 87 की बात करें तो यानी कि डी राइट आंसर होगा, कोसी बिहार का सो कोसी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 88 की बात करें तो जो मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, 89 की बात करें तो प्राथमिक होगा,
89 की बात करें, प्राथमिक होगा 90 की बात करें जो यानी कि वाणिज्यिक बैंक नहीं सेबी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी कि जो कानून पारित करता है वैधानिक नियम, तो इसका जो बी राइट आंसर होगा 91 की। 92 की बात करें तो यानी कि भारत की संघ कार्य नियमित में कौन शामिल नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय स्थापना गठन 124, यानी कि के पास मौलिक अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि 94 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो राष्ट्रीय मानव आयोग के अधीन आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या आता है, 96 की बात करें तो ये संसद है, स्थापित करने का अधिकार संसद है। साथियों 97 की बात करें तो ये शायद इसमें जो नायलोन है, यानी कि तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 97 की बात करें, 98 की बात करें तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, और 99 की बात करें ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग, और 100 की बात करें तो फेफड़े। साथियों जो टॉप यानी कि 100 जो क्वेश्चन है इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो उसमें जो आपको आपको लगे कोई क्वेश्चन गलत है उसे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके बाद मैं सेपरेट जो जीएस के क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें जीएस में यानी कि इसमें जीएस का क्वेश्चन गलत भी होगा तो उसमें कवर कर लूँगा। जैसे एक्चुअली आपको बता दूँ, यानी कि पहली बार पेपर देखा है तो इसमें मतलब थोड़ी बहुत देखें क्वेश्चन, तो एक आध क्वेश्चन गड़बड़ भी हो गया होगा, तो इसे कमेंट करके बताना है कि सही है क्वेश्चन गलत हो गया। और इसके बाद इसकी जो कट ऑफ पे बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।